नमस्कार दोस्तों, मैं सफी खान। आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। दोस्तों आज हम जसोल के अंदर लूनी नदी का दृश्य आपको दिखाने के लिए यहां पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लूनी नदी ओवरफ्लो पर है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान, पंचमी राजस्थान में एक तरफ पानी की जहां पर किल्लत आपको देखने को मिलती थी, आज यहां पर लूनी नदी का आप दृश्य देख सकते हैं कि कैमरा मैन दिखाइए आप, लूनी नदी पानी से है जो भरी हुई चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लूनी नदी भरी हुई चल रही है और पंचमी राजस्थान के अंदर पानी की है जो बहुत किल्लत रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोगों के अंदर बहुत खुशी है। लोग हैं जो देखने के लिए आए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। हालांकि खुशी की बात लोगों के लिए ये है कि हो उनके अंदर ये खुशी की बात है, और किसानों के लिए तो बहुत बेहद खुशी की बात है कि जल स्तर है जो ऊपर बढ़ेगा। हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या नदी आई हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ रहती हैं, क्या कुछ। बहुत खुशी की बात है। क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात, 3 साल से आई है, बहुत किसानों के लिए हावड़ी है। 6 साल से? हाँ, 3 साल। यानी कि दूसरी बार नदी आई है? हाँ, एक महीने में दूसरी बार आई। सर आप क्या कहेंगे इस प्रकार से लोग? बढ़िया, खुशी की बात है। खुशी की बात है। ये मरुगंगा है, मरुगंगा राजस्थान की, इससे किसानों को फायदा मिलेगा। और क्या कहना चाहेंगे आप? और तुम क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। और भी कोई लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लूनी नदी का पानी जो बहाव है ये बहुत अच्छा बह रहा है, बहुत ही अच्छा है, और लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत बहुत फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। हम सब लोग देखने के लिए आए हैं और सबको बहुत खुशी हुई है। आपको कितनी खुशी हो रही है आप लूनी नदी देखने के लिए? बहुत उत्साहित है। मेरे को तो इतनी खुशी हुई कि कहने के लिए कोई डिग्री भी नहीं है। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहेंगे? क्या कहें, काम तो बंद हो गया नदी आने से, फायदा क्या नुकसान है हमको तो। रास्ता रुक गया, धंधा भी रुक गया, कंपनियां बंद हो गई, तो फायदा का नुकसान ही हुआ ना। किसानों के लिए खुशी की? हाँ, खुशी की बात है। 3-4 साल से पानी आया, देखने के लिए आया है ना। पंचमी राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत रहती है, कमी रहती है, बहुत पानी की कमी है, इसको हम देखने के लिए आते हैं, पानी के लिए तरस रहे हम। इसलिए लोगों के अंदर है जो उत्साह है। हाँ, उत्साह है देखने के लिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज हम आए हैं देखने के लिए। देखो बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है, महीने में 2 बार नदी आ गई है, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद सर। आपको लग रहा है अभी भी पानी बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है, बोल रहे हैं पीछे से पानी आ रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि लूनी नदी है जो ओवरफ्लो पर है। आपको बता दें कि पाली में भी है, ऐसा बताया जा रहा है कि बरसात है जो तेज़ हो रही है, ऐसे में लूनी नदी का जल स्तर है जो बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना। थोड़ा इधर आई। सर आप क्या कहेंगे, लूनी नदी का पानी है जो ओवरफ्लो पर है और लोग बहुत उत्साहित है देखने के लिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लूनी नदी आने से सब लोगों में उत्साहित है, बहुत देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है, और ये बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र को जो जोड़ता है, रास्ता बाईपास है, ये रास्ता रुक गया है। सभी लोगों का यही कहना है, यहाँ अगर पुल बना हो तो लोगों को आने जाने में बहुत ही सुविधा मिले, नहीं तो यहाँ से 20 किलोमीटर लोगों को घूम के आना पड़ रहा है। वैसे लोगों में बहुत खुशी है, लेकिन एक तकलीफ भी है, आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। बालोतरा आने जाने का मेन रास्ता है, इससे लोगों को ये थोड़ी बहुत तकलीफ भी है, बाकी बहुत खुशी है सब में। कब तक ये रास्ता कब तक खुल सकता है लगभग? क्या वैसे आज से 15-20 दिन पहले पानी आया था, उस टाइम 10 दिन तक ये रास्ता बंद रहा था, और अभी भी उसके जितना ही पानी आया है, तो अब की बार रास्ता ज़्यादा टूटने की संभावना है, हो सकता है रास्ता महीने भर बंद रह सकता है जी। लेकिन किसानों के लिए ये खुशी की बात है कि पंचमी राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये उत्साह है कि इतना सारा पानी देखने के लिए उनकी भीड़ है जो उमड़ पड़ती है। तो आप क्या कहेंगे, पानी की किल्लत होते हुए भी लूनी नदी अब और फलों पर है? देखो किसानों के लिए खुशी की बात तो है, लेकिन ये रास्ते बंद होने से किसानों के लिए तकलीफ की भी बात है। यहाँ जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्र में खेत हैं, उनको आने जाने के रास्ते के लिए भी बहुत तकलीफ पड़ रही है। रास्ते के लिए तकलीफ हो रही है? वो पुल तो चालू है ना? वो पुल है तो बहुत घूम के आना पड़ता है, कम से कम किसानों को 20 किलोमीटर वहाँ से घूम के आना पड़ता है, और इंडस्ट्री एरिया के जो भी वाहन हैं उनको भी घूम के आना पड़ता है, बहुत तकलीफ है रास्ते की। धन्यवाद दोस्तों। ये जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पुल की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि रास्ता है जो नदी से रिमूव हो चुका है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, हमारे एरिया में जैसे कि बच्चे भी आए 30 किलोमीटर दूर से देखने के लिए, बहुत खुशी की बात है। हाँ,
आप क्या कहेंगे नदी देखने के लिए आए हैं दूर से? मुझे खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? खुशी खुशी हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? खुशी खुशी, सबको खुशी हो रही है। धन्यवाद दोस्तों, लोगों के अंदर देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आपको बता दें कि पानी का अभी जल स्तर है जो बढ़ रहा है, हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि पाली के अंदर भी बरसात हुई, लूणी नदी के अंदर है जो पानी आ सकता है। कैमरे के पीछे पेमाराम है, मैं सफी खान, जसोल तक।